हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को पांच पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो मैक्रो के कंसेप्ट को समझा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन के थ्री कंसेप्ट को समझा। अब हम यहाँ लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा था। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थ यानी कि धन और शास्त्र यानी कि पॉलिसी। मनी के अर्न करने की क्या पॉलिसी हो सकती है वो हमने जाना, उसको जो अर्थशास्त्रियों ने समझाया वो हमने समझा। आज हम यहाँ इकोनॉमिक पढ़ेंगे यानी कि अर्थव्यवस्था, किस तरीके से धन की अर्न कर सकती हैं, उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे मैनेजमेंट होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे इकोनॉमिक्स की। एन इकोनॉमी रेफर टू सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। यानी कि इकोनॉमिक्स किसी एक ऐसे देश जहाँ सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संगठन व एक ढांचा हो, एक किसी ऐसा देश जहाँ पे आपकी आर्थिक क्रियाएँ, सामाजिक क्रियाएँ और राजनीतिक क्रियाएँ हो, उन्हें क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक कहा जाता है। इन एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर पीपुल अर्न देयर लाइवलीहुड बाई परफॉर्मिंग लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ कहा गया है कि कोई भी पर्सन अपनी लाइवलीहुड यानी कि जीवन यापन का चलाने के लिए जो अर्न इनकम अर्न करता है, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं को यहाँ पे इकोनॉमिक कहा गया है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक में कहा गया है कि इकोनॉमिक इज द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन, ट्रेड और सप्लाई। इकोनॉमिक ऐसा रिलेशन है किसके बीच में, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, ट्रेड यानी व्यापार और इनसे अर्न होने वाले मनी के बीच में जो रिलेशनशिप किया जाता है उसको समझाता है। इकोनॉमिक को एक डायग्राम से देखिए तो इकोनॉमिक यानी कि कहा गया है मनी। मनी कैसे अर्न की जा सकती है, इसकी व्यवस्था तो यहाँ बताया गया है कि रिसोर्स कलेक्ट करके, रिसोर्स कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा ये हमने समझा था। रिसोर्स से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन से हम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे अपन, कंजम्पशन, कंज्यूमर को, और फिर इसका मैनेजमेंट, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो कहाँ आती है, इकोनॉमिक में आती है। यानी कि हम कच्चा माल इकट्ठा करके जितने भी रिसोर्स है, रिसोर्स में हमने ये भी जाना था कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, फर्म है, जो कि ये रिसोर्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन में कैसे यूज़ किया जाए, प्रोडक्शन बनाने के बाद में, उत्पादन बनाने के बाद में किसको और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसा किया जाए, उनका कंजम्पशन यानी कि उपभोक्ता किस तरीके से उपभोग करे, ये सभी मैनेजमेंट ये किस में आता है, आपके इकोनॉमिक में आता है। यानी कि यहाँ पे आपको व्यवस्था बतानी होती है, किसके, अर्थशास्त्र की व्यवस्था को यहाँ पे इकोनॉमिक में आपको समझाया जाता है। आगे हम देखेंगे, कहा गया है कि इकोनॉमिक इज़ नॉर्मली डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरी। यहाँ इकोनॉमिक के कैटेगरी को डिवाइड किया गया। अभी हमने समझा कि रिसोर्स से हम प्रोडक्शन करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, तो ये रिसोर्स हमारे पास में इकोनॉमिक में कैसे आते हैं, इसकी कैटेगरी को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये 11th में भी पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, आपका एग्रीकल्चर आएगा, जहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपकी क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फैक्ट्रीज हुई, प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सभी आपका कहाँ आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। आगे है टेरिटरी सेक्टर, जिसमें कि आपकी सर्विस सेक्टर्स आएंगे। सर्विस सेक्टर में आपको जो भी आपका प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा आपके कंज्यूमर के पास में पहुंचाना, या अदर जो प्रोडक्शन के समय हमें जो भी सर्विसेज की आवश्यकता होती है वो ये सेक्टर कंप्लीट करता है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। टाइप ऑफ इकोनॉमिक में कहा गया है कि इकोनॉमिक कैन बी मेनली ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला है कैपिटलाइजेशन, सेकेंड है सोशलिस्ट इकोनॉमिक, थर्ड है आपका मिक्स इकोनॉमिक। यहाँ पे हम इन तीनों के बारे में एक बार पहले डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस में यहाँ बताया गया है आपको कि इकोनॉमिक थ्री पार्ट में डिवाइड कर दी। इकोनॉमिक में फर्स्ट पार्ट है आपका कैपिटलाइजेशन, सेकंड है सोशलाइजेशन और थर्ड आपका क्या है, मिक्स।
तो कैपिटलाइज में देखेंगे यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, कैपिटल यानी कि पूंजी। यहाँ ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें केवल कैपिटल का यानी कि मनी से रिलेटेड या प्रॉफिट से रिलेटेड ही काम किया जाता है। तो यहाँ हम इनके डिफरेंस देख लेंगे, इनके बारे में एक बार देखते हैं कि कैपिटलाइज में कहा गया है कि इकोनॉमिक इन विच प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, गवर्नमेंट के यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होते, यहाँ प्राइवेट यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी बिजनेस कर सकती है। तो यहाँ बताया गया कि जो कैपिटलाइज यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहा गया कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपना रोल प्ले करता है। सेकंड यहाँ कहा गया कि बिजनेसमैन आर डिसीजन मेकिंग, जो बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है वो से उसी की अपनी कैपिटल है, किसी और गवर्नमेंट से वहाँ उन्होंने अब किसी भी प्रकार की सब्सिडी या किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लिया है, तो वह अपनी कैपिटल के साथ में किस तरीके का बिजनेस करे ये सारा डिसीजन किसका होगा, बिजनेसमैन का होगा। आगे थर्ड पॉइंट में हम देखें कि गवर्नमेंट इज जस्ट टू सी द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, वह केवल अपने एक कंट्री को ऑर्डर दे सकता है पर किसी के बिजनेस में कंट्रोल नहीं कर सकता है। कहाँ पर नहीं करेगा, ये कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ हमें जैसे नाम से भी समझ में आ गया था कि इसका कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ये कैपिटलाइजेशन इकोनॉमिक एक प्रॉफिट ओरिएंटेड मानी जाती है। ये कहाँ पे अर्थव्यवस्था है, यहाँ ये कैपिटलाइजेशन इकोनॉमिक कहाँ है, ये जर्मनी और यूके में। सेकेंड हम देखेंगे सोशलाइज जिसमें कि कहा गया है सोशलिटी में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी यानी कि यहाँ पे समाज को भी साथ में लेकर के चलना है। तो बताया गया है कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर आर एनी अथॉरिटी प्ले ए वर्टिकल रोल। तो यहाँ पे कौन अपना रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि सोशल यानी कि समाज का भी कल्याण हो इसके लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे होता है। तो किसी भी प्रकार का पब्लिक सेक्टर जैसे कि हम यहाँ कहते हैं कि सरकारी अस्पताल, तो यहाँ पे क्या होता है, सारे रूल एंड रेगुलेशन किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। वहाँ प्राइस वगैरह क्या होती है, बहुत ही सस्ती रेट में आपको इलाज करवाया जाता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि जब पूंजीवादी में ये भी देख सकते हैं कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर दिया, तो वही अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे क्या होता है, फीस ही 1000 रुपये की होती है। पर वही हम जब समाजवादी यानी कि एक मान के चले कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ 100 रुपये ही फीस होती है। तो यहाँ पे समाजवादी या सोशलिस्टिक इकोनॉमिक का ये मतलब नहीं होता, वहाँ पे उनका प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, वहाँ वेलफेयर यानी कि कल्याण किसका, समाज का। वहाँ पे वह केवल समाज के कल्याण की ही ध्यान रखते हैं। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे कि गवर्नमेंट और अथॉरिटी आर डिसीजन, तो यहाँ पे किसका अथॉरिटी रहती है, गवर्नमेंट की। हर एक यहाँ पे अपने बिजनेस में जो भी पॉलिसी अपनानी होगी वो किसके डिसीजन से होगी, गवर्नमेंट की होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेलफेयर। जैसे कि हम याद रख सकते हैं सोशल में वेलफेयर ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पे यही ध्यान रखा जाता है कि कैसे और ज़्यादा हमारे समाज का, हमारे इकोनॉमिक का, हमारे देश का कल्याण हो सके, जो गरीब वर्ग है वो कैसे ऊपर आ सके। सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है यहाँ पे, पर कैपिटलाइजेशन में केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड यानी कि अपनी प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन इकोनॉमिक होती है वो प्रॉफिट अर्न करती है। तो हमें यहाँ ये समझ में आता है कि वह अपनी क्या करती है, कॉस्ट को मिनिमम रखती है। तो यहाँ क्या करते हैं, कॉस्ट को मिनिमम किया जाता है। आगे थर्ड अपनी इकोनॉमिक है मिक्स इकोनॉमिक। मिक्स इकोनॉमिक जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, मिक्स यानी कि जहाँ पे कैपिटल और सोशल दोनों तरीके से आपके मिक्स हैं, यानी समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोनों का मिक्स जहाँ पे होता है वो क्या कहलाएगी, मिक्स इकोनॉमिक या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर्क टुगेदर, बोथ शेयर द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग भी क्या होगी, दोनों की होगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊँ, क्योंकि यहाँ एग्जांपल समझाना इसलिए ज़्यादा भी ज़रूरी है क्योंकि मिक्स इकोनॉमिक कहाँ है, मिक्स इकोनॉमिक का एग्जांपल क्या आता है, इंडिया में। इंडिया में क्या होता है,
मिक्स इकोनॉमिक माना जाता है कि यहाँ पे मिक्स इकोनॉमिक अपनाई जाती है। यहाँ एक एग्जांपल लूँ कि मैं यहाँ पे एक बिज़नेस करूँ, तो बिज़नेस किसी एक पर्सन का करना जो कि वह अपने हिसाब से कर सकता है, वो किसी भी वस्तु का अपना बिज़नेस कर सकता है, तो वहाँ डिसीजन किसका हुआ? बिजनेसमैन का हुआ। तो ये किस में आपने पढ़ा था? कैपिटल, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से मैं अपना बिजनेस तो खोल लिया, पर यहाँ पे कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर का भी, तो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन क्या होंगे? गवर्नमेंट के होंगे। तो GST कितनी लगेगी, कैसे लगेगी, कितने रुपए के बाद में आपकी GST लगने लगेगी, ये सारा कंट्रोल भी किसका होता है? पब्लिक का होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इंडिया में हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से बिजनेस तो कर सकता है, पर वहाँ पे उसके गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होता है, थोड़ा कंट्रोल गवर्नमेंट के पॉलिसी का या उनके रूल एंड रेगुलेशन का हमें अपनाना पड़ता है। तो यहाँ आज हमने देखा, तीन तरीके की इकोनॉमिक देखी, हमारे इंडिया में किस तरीके की इकोनॉमिक होती है? मिक्स इकोनॉमिक होती है। ये सभी कंसेप्ट आप इवेंट में भी पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ हम एक और तरीके से देखेंगे, यहाँ इन्हीं तीनों इकोनॉमिक को हम एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अब कि हमने पहले पढ़ी थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ने हमने पढ़ा था कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, उस हमारे पास में लिमिटेड सोर्स है, उसका अल्टरनेटिव यूज़ है, इस समस्या को हम सॉल्यूशन हम पहले करके आ चुके हैं। पर अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके सामने ये समस्या कैसे आती है, जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे ये समस्याएं कैसे आती है, और जहाँ पे ये मिश्रित समस्या होती है वो अपनी समस्याओं से कैसे निजात पाते हैं, हम वो देखेंगे। तो पहला हम यहाँ देख रहे हैं कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज इकोनॉमिक यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि व्हाट टू प्रोडक्ट, हमारे पास में तीन इकोनॉमिक समस्या आई थी कि हम क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें। तो पहली समस्या है कि हम क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से कहा गया है अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड प्रॉफिट, यानी कि जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर किसको उत्पादन करे इसका डिसीजन वो कैसे लेता है कि मैं मेरी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, मैं मेरा क्या करूँ, प्रॉफिट करूँ। जहाँ पे 10,000 मिल रहे हैं, अब यहाँ अपन ने देखा था कि PPC कर्व में या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखा था कि मैं जॉब 10,000 की करती हूँ या मैं 20,000 की करती हूँ। तो यहाँ अगर जिस कंट्री में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो वो क्या देखेगा कि प्राइस, यानी कि मेरे पास में 20,000 वाली जॉब करूँगी क्योंकि मुझे वहाँ क्या है, ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वहीं उसी के विपरीत मैं देखूँ सोशल इकोनॉमिक यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, वहाँ उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जाएगा जिससे कि पूरे समाज का यानी कि सोशल इकोनॉमिक का वेलफेयर हो, कल्याण हो। थर्ड यहाँ देखूंगी कि मिक्स इकोनॉमिक में कहा गया है कि प्रॉपर बैलेंस हो, थोड़ा प्रोडक्शन प्रॉफिट कमाने के लिए और थोड़ा प्रोडक्शन हम वेलफेयर यानी कि कल्याण के लिए करते हैं। सेकंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि मैं कैसे प्रोड्यूस करूं, तो कैसे प्रोड्यूस करूं में कहा गया है कि एट मिनिमम कॉस्ट, किसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि प्राइवेट सेक्टर क्या मान के चलता है कि अगर मेरी 4,000 की कॉस्ट लग रही है तो वहाँ मैं कोशिश करूँ कि मेरे 3,000 ही कॉस्ट लगे। जब हम कॉस्ट को बचाएंगे तभी हमारे पास में क्या होगा, जहाँ कॉस्ट को मिनिमम करेंगे तभी क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा ये चाहती है कि उत्पादन क्या उत्पादन करूँ, वो उत्पादन करूँ जिसमें मुझे प्रॉफिट मिले, कैसे करूँ, ऐसा प्रोड्यूस करूँ कि मेरे पास में कॉस्ट के कम से कम लगे, लागत कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। उसी के विपरीत हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसा प्रोडक्शन करती है जिसमें कि कल्याण हो, कल्याण हो किसका, सोशल का, समाज का, वेलफेयर हो। तो यहाँ पे वह टेक्निकल ये चीज़ें या फिर वह अपने जितने भी रिसोर्स होगा वो सोशल फेवरेबल के हिसाब से करेगा, यानी कि समाज के कल्याण के अकॉर्डिंग ही वह प्रोडक्शन करेगा। जहाँ लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ वो लेबर ही लगाएगा, जहाँ मशीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ मशीन को ही लगाएगा। आगे कहा गया है कि थर्ड इकोनॉमिक जिसमें कहा गया कि मिक्स इकोनॉमिक, वहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस में कहा गया है कि मैं कैसे प्रोड्यूस करूँ, तो कहा गया ऑन द बेस ऑफ सूटेबल, जैसे भी
देश को और जैसे समाज को, दोनों को जैसे सूटेबल हो, जैसे उनका कल्याण हो, उस तरीके से किया जाता है। थर्ड यहाँ प्रॉब्लम आती है कि फॉर वूम टू डिस्ट्रीब्यूट, फ्रॉम वूम टू डिस्ट्रीब्यूट यानी कि मैं किसको उत्पादन वितरण करूँ, पुअर व्यक्ति को या रिच व्यक्ति को, अमीरों के लिए मैं अपना प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करूँ या वितरण करूँ, या फिर गरीबों के लिए करूँ। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बोल दो, चाहे यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह दो, ये जब प्रॉफिट कमाना अगर चाहेगी तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि वह अपना किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जहाँ पे उसका प्रोडक्शन और बढ़ सके, तो टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशल इकोनॉमिक, वहाँ पे किन लोगों को ज़्यादा वितरण करेगी, जहाँ पे समाज का कल्याण ज़्यादा हो। उसी तरीके से हम देखेंगे कि मिक्स इकोनॉमिक में कहा गया है कि प्रॉपर बैलेंस जहाँ बना रहे, समाज का भी कल्याण हो, देश में भी क्या हो, प्रॉफिट हो, उस तरीके का बैलेंस यहाँ बना करके चलेंगे। इसी टॉपिक को हम एक बार थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं। हमने पीपीसी करो में भी इकोनॉमिक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा था, वही पीपीसी करो से मैं आपके सामने ये जो तीन समस्याएं हैं कि हाउ व्हाट टू प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट करूँ, हाउ टू प्रोडक्ट कैसे करूँ, और किसको करूँ वितरण, तो ये हम देखेंगे। हाँ, व्हाट टू प्रोडक्ट में कहा गया है कि मैं क्या प्रोडक्शन करूं, तो उसमें मैं यहाँ देखूंगी कि यहाँ मैं सपोज मान के चलती हूँ कि यहाँ पे मैं राइस प्रोडक्ट करूं या यहाँ पे मैं क्लोथ का प्रोडक्शन, इसका है, तो यानी कि मैं व्हाट टू प्रोडक्ट, तो पीपीसी करूँ बनाया हमने। व्हाट टू प्रोडक्ट में तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का होगा। अगर राइस से ज़्यादा होगा प्रॉफिट, तो वह राइस की मात्रा को बढ़ा देगा और क्लोथ की मात्रा को कम कर देगा। पर जो सोशल इकोनॉमिक है, या फिर ये मैं कह सकूँ समाजवादी या पब्लिक सेक्टर है, वो क्या करेगा, कल्याण को देखेगा, वेलफेयर को देखेगा। सेकेंड प्रॉब्लम हमारे सामने है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू यानी कि मैं कैसे, तो कैसे में क्या आएगा कि मैं यहाँ पे लेबर ज़्यादा लूँ, या फिर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे मैं कैपिटल या फिर मैं मशीन ज़्यादा लूँ, कैपिटल ज़्यादा लूँ या फिर मैं यहाँ पे मशीन ज़्यादा लूँ। और थर्ड प्रॉब्लम में यहाँ मैं बता सकती हूँ कि आपको थर्ड प्रॉब्लम आती है कि मैं किसको वितरण करूँ, तो यहाँ हो जाएगा कि मैं रिच पीपल को करूं कि यहाँ पे मैं पुअर पीपल को करूं। ये तीन हमारी समस्या थी, इसको भी हम पीपीसी कर्व के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, पीपीसी कर्व के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी आज का टॉपिक लास्ट टॉपिक था। तो हमने यहाँ पढ़ा कि हमारी इकोनॉमिक है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, कैपिटलाइज, सोशल और मिक्स इकोनॉमिक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।